नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रियंका। आप देख रहे हैं सिर्फ सच। नक्सलियों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसकी वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं और वो आम जनता की जान को भी नहीं बख्श रहे हैं। वैसे तो नक्सली कहते हैं कि आम जनता उनका साथ देती है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जनता नक्सलियों का साथ देती है तो ये नक्सली आखिर आम जनता को बेरहमी के साथ मौत के घाट क्यों उतार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस बीच बस्तर के आईजी सुंदर राज पी का एक बयान सामने आया है। इस बयान में सुंदर राज पी ने कहा है कि बस्तर के 8000 वर्ग किलोमीटर के इलाके से नक्सलवाद को बीते कुछ सालों में खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में तेजी के साथ अब विकास हो रहा है और अंदरूनी इलाकों को तेजी से मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ऐसे में नक्सल ऑर्गेनाइजेशन की कमर टूट चुकी है। यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और ग्रामीणों की हत्या करवा रहे हैं। आईजी सुंदर राज पी ने आगे बताया कि नक्सली कहते हैं कि लोकल जनता उनका साथ देती है, लेकिन अगर ऐसा है तो नक्सली इन आदिवासियों की हत्याएं क्यों कर रहे हैं? क्यों वो गाड़ियों में आग लगाकर अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हैं? उन्होंने आगे बताया कि नक्सली ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जनता और मीडिया का ध्यान भटका सके। बता दें कि आईजी ने इन सब के पीछे माओवादी संगठन के महासचिव वसव राजू को दोषी ठहराया। आईजी ने कहा कि बस्तर में पुल पुलिया सड़क निर्माण होने से नक्सली घबराए हुए हैं। वसव राजू, हरिभूषण, सुजाता, गणेश उइके, रामचंद्र रेड्डी जैसे बाहरी नक्सली नेता डरे हुए हैं, क्योंकि जनता की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद आईजी ने ये भी कहा कि 2021 और 2022 एक अहम साल है और अब नक्सलियों को एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये हत्याएं तेलुगु नक्सलियों की शह पर हो रही हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक लिए बने रहिए सिर्फ सच के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।